Welcome to World of Fashion and Designing. Fashion and Designing is all about dreaming. So be an eyefight, fulfill your dreams and start making other people dream. International Institute of Fashion and Arts, one of the best designing institute of India, IFA. I am an IFA. Yes, I am an IFA. Design your future. इन दोनों ताजनगरी में अपने वार्षिक सम्मेलन के लिए देश के विभिन्न राज्यों से जुटे मंगला मुखियों ने शनिवार को कलश यात्रा का आयोजन किया। खेरिया मोड़ स्थित मिलन वाटिका से आरंभ हुई इस कलश यात्रा में उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान व पंजाब सहित देश के अनेक राज्यों से आए मंगला मुखियों ने बड़े धूमधाम के साथ शिरकत की। यात्रा में शामिल सभी मंगला मुखी तरह तरह के आधुनिक डिजाइनों के वस्त्रों से सजे हुए नजर आए। सोने चांदी के कीमती जेवरात धारण किए हुए थे, जिनमें कुछ के द्वारा पहने गए भारी भरकम जेवरात देखने वालों को हैरान कर रहे थे। मैं यूपी से आई हूँ, मेरा नाम दीना शर्मा है और यहाँ सम्मेलन में आए हैं। यह दो सम्मेलन हो रहे हैं, उसमें हमें बहुत मजा आ रहा है। सब लोगों के लिए दुआ करने आए, सबके बच्चे जीते रहे, बच्चों वालों के बच्चे जीते रहे, माता रानी अच्छा रखे। हमें बहुत बच्चों वाले के लिए दुआ करते हैं, हमारा बहुत अच्छा लग रहा है। हमें यहाँ पर आके आगरे में और जिनकी शादी नहीं होती उनकी दुआ के लिए आप लोगों से हमारा पेट भरता है। हिंदुस्तान की खुशी के लिए दुआ करते सब लोग। मेरा नाम दीपिका है, हम लोग दिल्ली से आए हैं। यहाँ पर देश भर के किन्नर आए हुए हैं, शहर वालों के लिए दुआ करते हैं कि सब लोग खुश रहे, जीते रहे, बने रहे और सबके कारोबार में तरक्की हो, सबके बच्चे जीते रहे। यहाँ जगह जगह से किन्नर आए हुए हैं, यहाँ पर हवन हो रहा है, मंदिर में घंटा चढ़ाया जाएगा। यहाँ पर हम लोग सबकी सुख शांति की दुआ करते हैं। यहाँ पर अलग अलग देश से किन्नर आए हुए हैं। हाँ, हमारा हर साल हर शहर में हमारी जो बड़ी गुरु जी होती हैं वो हर शहर में ये दुआ करवाती हैं, सब लोग अच्छे रहें, खुश रहें, माता रानी सबकी दुख परेशानी दूर कर दे। हमारे यहाँ पर ये सारी हर बार हर शहर में कराते हैं हमारे यहाँ पर, और देश भर के किन्नर आते हैं, दुआ करते हैं, खुशी मनाते हैं। मिलन वाटिका पर पूजा और माता रानी पर घंटा चढ़ाने के साथ इस कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर मंगला मुखियों ने देश में सुख शांति और देशवासियों के घर परिवार की सलामती की प्रार्थना की। मंगला मुखियों की गुरु हरियाबाई ने इस अवसर पर बताया कि उनके समाज की जीवन यापन लोगों की कृपा पर ही होती है, इसलिए वे हमेशा लोगों की खुशहाली और उनके परिवार में सुख शांति की दुआ करती हैं। मैं हूँ हरियाबाई, आगरा से, खेरिया मोड़ से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब भाइयों को नमस्कार। और आज हमारी कलश यात्रा खुशी में निकाली जाती है, माता रानी पर घंटा चढ़ाया जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये हमारे गुरु की यादगार में, बच्चे वालों की यादगार में ये कलश यात्रा निकाली जाती है। मंगला मुखियों की यह कलश यात्रा खेरिया मोड़ स्थित मिलन वाटिका से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों पर भ्रमण करते हुए खेरिया मोड़ स्थित मिलन वाटिका पर पहुंचकर समाप्त हुई। यात्रा के दौरान मनोहारी श्रृंगार से मंगला मुखी अपनी दिलकश अदाकारी और फिल्मी गीतों पर शानदार नृत्य का प्रदर्शन करते चल रहे थे। यात्रा में शामिल होने हरिद्वार से आई नीतू मैडम ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम जिन लोगों से कमाते हैं उनकी सलामती की दुआ भी करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम होते हैं, बच्चों वालों को दुआ मांगते हैं, हम कारनामा होवे, कुछ काम चले और हम लोग सारे जनता क्या कहते हैं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, गुजरात, सारे जगह के इकट्ठे होते हैं। तो हमारे ये सम्मेलन होते हैं, बच्चों वालों को हम खवाते हैं, उनके हम लगाते हैं, हम इसलिए यात्रा निकालते हैं। हमारे द्वार के हैं, मेरा नाम नीतू मैडम है। जहाँ जहाँ से मंगला मुखियों की यह कलश यात्रा निकली, वहीं नाचते झूमते हुए किन्नरों को देखकर आसपास खड़े लोगों ने एक भीड़ का माहौल बना दिया। वहीं इस मौके पर सभी लोगों ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया। वहीं उनके साथ सेल्फी लेने वालों और उनके साथ डांस में कदम ताल करने वालों की भी कोई कमी नजर नहीं आई। यात्रा के साथ चल रही भोपाल से आई मंगला मुखी रेशमा ने जहां देश में हिंदू मुस्लिम सभी से प्रेम के साथ रहने की कामना की, वहीं सरकार से नकली
मंगलामुखियों के बढ़ते किन्नरों की गतिविधियों पर रोक लगाने की भी मांग की। हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम है रेशमा। हाँ जी भोपाल से हूँ मैं, भोपाल में सर। ये कार्यक्रम है हमारे जो बुजुर्ग होते हैं ना उसका सम्मेलन करा जाता है ये, और सब जो बस्ती वाले हैं सबके समाज के लिए सुख शांति के लिए, आज का समाज में बहुत माहौल खराब चल रहा है उसके लिए सुख शांति के लिए कार्यक्रम किया जाता है। कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं? ये ऑल इंडिया से सारे लोग आए हुए, सब जगह से आए हुए हैं। तो क्या कुछ है मान्यता? तो ये है कि बुजुर्गों से चला आ रहा है रीति रिवाज। पुराने जमाने में जैसे पानी नहीं बरसता था, कुछ घटना घट जाती थी तो हम लोगों से ये कार्यक्रम करवाया जाता था, तो सबसे सिलसिला चला आ रहा है। पूरे हिंदुस्तान में सुख शांति रहे, आजकल की गलत गलत अफवाहें फैल रही है हिंदू मुसलमान की ये वो सब, तो ये सब नहीं होना चाहिए। सब हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान में तो हिंदू भी मुसलमान भी बराबर है सब, तो इसके लिए सबको प्रेम भाव से रहना चाहिए और प्रेम भाव से रहना चाहिए। और मोदी सरकार से भी हमारी ये मांग है कि हमें हर सुविधा दी जाए, हर जैसे बहुत सारी परेशानियाँ आती है हम लोगों को, वो परेशानियाँ भी हमें दूर करी जाए। जैसे आजकल नकली किन्नर हो गए उसमें परेशानियाँ आती है, रेल मांगने वाले उसमें परेशानियाँ आती है, तो इन सबसे निजात दी जाए हमें और कुछ सुविधा दी जाए। जैसे रेल में हमें परेशानी थी, टिकट नहीं हो पाते हैं, रिजर्वेशन नहीं हो पाते हैं, इसके लिए रिजर्वेशन में इसमें ट्रेन में इन्हें हमें अलग से एक बुगी दी जाए। शहर में इन दिनों जहां एक और मंगलामुखियों का आयोजन लोगों के लिए एक अलग आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, वहीं लोगों ने इनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनके कार्यक्रम में एक साथ होकर एक अलग संदेश देने का भी काम किया। 7 इंडिया न्यूज के लिए कैमरा पर्सन चंदन सिंह के साथ अनिल चौधरी की रिपोर्ट।